राष्ट्रीय योगा फेडरेशन की ओर से ऊना जिला मुख्यालय में इंदिरा गांधी खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित 49वीं राष्ट्रीय सब जूनियर और जूनियर योगा प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ ही सांसद अनुराग ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और जबकि योग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन अशोक कुमार अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समापन समारोह में अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर की सब जूनियर और जूनियर योग प्रतियोगिता के कुछ फाइनल मुकाबला का भी आनंद उठाया। नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर से किए गए कई कठिन योग को देखकर अनुराग ठाकुर भी हैरान रह गए और वहीं इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। योग का ज्ञान देश के कोने कोने तक पहुंचे और सबसे खुशी की बात यह है कि योग को लेकर जो टूर्नामेंट्स होने शुरू हुए इससे योग का और विस्तार प्रचार प्रसार भी हो रहा है, योग के प्रति लोगों की और रुचि भी बढ़ रही है और योगासना इसको अब एक खेल के रूप में लिया जाता है। और जब मैं खेल मंत्री था उस समय ही हमने इसको आगे बढ़ाने का और काम किया। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे यहाँ पर एक शानदार आयोजन किया गया जहाँ 32 राज्य और केंद्र शासित राज्यों से यहाँ पर लगभग 800 से ज़्यादा खिलाड़ी इन्होंने भाग लिया है। मैं सभी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश में स्वागत अभिनंदन करता हूं और सभी आयोजकों का आभार प्रकट करता हूं। देखिए किसी न किसी भ्रामक या कहते हैं ना लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के बयान देने की आदत कुछ राजनीतिक दलों की है सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, और कुछ लोग जो जेल में काफ़ी लंबा समय बिताकर आए भ्रष्टाचार को लेकर आज अपनी खिसकती हुई जमीन को बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी तक सीमित।